हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ह्यूज नायका हॉल। लाइक यू कैन सी मेरे पास कितना सारा, मतलब लिटरली ये बॉक्स भर के सामान है एंड ये काफ़ी ह्यूज होने वाला है। आई थिंक ये मेरे चैनल पे अब तक का बिगेस्ट नायका हॉल है, क्योंकि मैं नॉर्मली नायका पर्पल ऐसे ऐसे मिक्स करके हॉल करती थी, बट ये प्योरली नायका का है। सो ये मैंने नायका समर सुपर सेवर डेज में खरीदा था। तो अगर आपको जानने में कोई भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, वीडियो एंड तक देखेगा। मैं बीच में कोशिश करी थी हॉल्स वगैरह नहीं करूँ, क्योंकि मुझे खुद में अच्छा नहीं लग रहा था, लाइक कोरोना वायरस एंड ऑल दैट। तो ये सब था एक्चुअली। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो कि पुल है कि मैंने मेकअप अभी क्यों मंगाया है, बट ये एक्चुअली न्यू लॉन्चेज हैं, तो मैं चाहती थी कि ट्रायल करके आपको रिव्यू दे सकूँ, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें मंगाई हैं। तो प्लीज़ डोंट जज मी। सो अगर आपको जाने में कोई भी इंटरेस्ट है मैंने क्या क्या खरीदा है, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, वीडियो एंड तक देखेगा। और सर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आगे वैसे भी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड ये आई लुक मैंने इंस्टाग्राम पर डाला है, तो इसका ट्यूटोरियल, तो अगर आप चाहते हैं जानना कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइए। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेक श्योर टू डू चेक दैट आउट। सो मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देने वाली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एंड क्योंकि मैंने रिव्यूज़ वगैरह नहीं किया, तो इसलिए मैं अभी लिंक नहीं देने वाली हूँ। पर मैं प्राइसेस सारे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि मुझे सेल में किस प्राइस का मिला था, मैं वो सारे प्राइसेस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, क्योंकि अभी किस तरह का क्या प्राइस है मुझे आखिर खुद नहीं पता। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट होने वाला है दैट इज़ अ कॉम्बो। ये है काया का ब्राइटनिंग कॉम्बो। इसमें आता है एक फेस वॉश है, ये वाला फेस वॉश है, ये वाला डे क्रीम है, एंड दिस इज़ अ नाइट क्रीम, जो कि मैं यूज़ करके रिव्यू डालने वाली हूँ। तो अगर आपको रिव्यू जाने में कोई भी इंटरेस्ट है किस तरह से वर्क करता है, तीनों का स्पेसिफिक अलग अलग एज अ कॉम्बो नहीं, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। मैं मोस्ट प्रॉब्ली रिव्यू डाल दूँगी वेरी मच सून इन फ्यूचर, क्योंकि ट्रायल करने में टाइम लगता है, एंड जब तक मैं VA वीडियो अपलोड करूँ तब तक के लिए हो सकता है कि मैं ट्रायल करना शुरू भी कर चुकी हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो सबसे पहला प्रोडक्ट ये था। सो कमिंग टू सेकेंड प्रोडक्ट, मैंने एक हेयर मास्क मंगाया है बाय श्वार्ज कपॉफ, आई थिंक इससे ऐसी प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज इसका स्पा एसेंस, एंड उसके साथ मुझे हाइलुरोनिक मॉइस्चर किक स्प्रे कंडीशनर एक ट्रायल पैक फ्री मिला है। ट्रैवल पैक बोल सकते हैं, ट्रायल तो है नहीं, ट्रैवल पैक फ्री मिला है, एंड ये काफ़ी बड़ा टब है, लाइक कि बहुत बड़ा टब है एंड काफ़ी अफोर्डेबल, लाइक आपको लग सकता है बहुत महंगा है, बट ये लिटरली बहुत बड़ा टब है, लाइक यू कैन सी कितना है, ये 500 ml का टब है, एंड मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। मैंने अभी तक इसे एक बार आई थिंक यूज़ किया है, तो इसका भी रिव्यू मैं जल्दी डालने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो सेकंड प्रोडक्ट ये। नेक्स्ट जो थर्ड प्रोडक्ट है दैट इज़ मेबलिन का सुपर स्टे मैटिंग का, एंड ये इन द शेड है 050 वॉयजर एंड 15 लवर। मैंने लवर यूज़ किया था, मैंने साई लुक के साथ वेयर किया था, बट मुझे कुछ उतना पसंद नहीं आया था इसके साथ, तो मैंने चेंज कर दिया। ओवरऑल मेरे पास इसका ऑलरेडी इस रेंज में इससे ऑलरेडी एक लिपस्टिक है रेड कलर का, लैट इज एम्बिशियस, एंड फॉर्मुलेशन वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक मैंने उसे मेरे टॉप फाइव लिपस्टिक में मैंशन किया है, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी, सो प्लीज़ मेक श्योर टू डू चेक दैट आउट। उसे मैंने अच्छे से रिव्यू दिया है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ स्विस ब्यूटी ने कुछ न्यू लॉन्चेस किए हैं, तो न्यू लॉन्चेस में से उन्होंने स्किन केयर रेंज पे गए हैं, तो उनका है ये, उनका फेस मास्क है, तो मैंने चार वेरिएंट आते हैं, इसमें मैंने चारों वेरिएंट खरीद लिया है ताकि मैं रिव्यू दे सकूँ, लाइक यू कैन सी मैंने चारों वेरिएंट खरीद लिया है। तो मैंने अभी तक लैवेंडर वाला ट्राई किया है, मैं रोज़ और बाकी तीन वेरिएंट ट्राई करूँगी, तो उसके लिए और रिव्यू भी डालने वाली हूँ चारों के बारे में, इन डेप्थ रिव्यू करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ये था, एज अ सेड स्विस ब्यूटी। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि मैं स्विस ब्यूटी के सारे नए लॉन्चेस ले रही हूँ, तो नेक्स्ट इज स्विस ब्यूटी का गोल्ड सीरम, एंड ये आई थिंक उनका न्यू लॉन्च है, उनके पास एक और 24K गोल्ड सीरम है, तो वो मैंने ट्राई नहीं किया, मैं सोचा ये देखते हैं क्योंकि न्यू लॉन्च में था, वो उन्होंने शायद पहले लॉन्च किया था, तो मैं सोचा इसे ट्राई करते हैं, तो देखूँगी कैसा है। नेक्स्ट इज स्विस ब्यूटी का फेस ऑयल, एंड ये भी न्यू लॉन्च में था, ये आई थिंक ये इन द वेरिएंट पोमोग्रेनेट है, तो नेक्स्ट ये मैंने लिया है, एंड अगेन प्राइसेस सारे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे यहीं पे कहीं पे जिसमें मैंने लिया है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट ये था। नेक्स्ट प्रोडक्ट स्विस ब्यूटी की तरफ से कंसीलर पेन
कंसीलर पेन एंड ये एक्चुअली मैंने आज ही ट्राई किया है. दिस इज़ इन द शेड प्योर बेज. इसका मैं रिव्यू डाल लूँगी. मैं भी एक बार ट्राई किया, मैं बहुत बार ट्राई करने के बाद डालूंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर. नेक्स्ट इज स्विस ब्यूटी का 24 आवर्स स्टे मैट लिप क्रेयॉन एंड दिस इज इन द शेड रेड फ्लैग, जिसे मैंने बताया था कि आजकल मैं थोड़ा रेड कलर की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रही हूँ, तो मैंने सोचा ये वाला कलर लेते हैं. एंड आई थिंक इसमें न्यूड शेड शायद नहीं थे, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर चूज़ किया था. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ये था, क्योंकि लाइक मैं बहुत सेफ साइड खेल रही थी कि कौन सा कलर लूँ, क्योंकि कुछ कलर हो सकता है अच्छा ना लगे या फिर कुछ भी, और मुझे फॉर्मुलेशन वगैरह चेक करना था, तो इसलिए मैंने ये वाला शेड लिया है. तो नेक्स्ट ये था. अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होने वाला है वो स्विस ब्यूटी की तरफ से न्यू लॉन्चेज नहीं है, मुझे लेना था तो मैंने लिया है. एंड दैट वॉज फर्स्ट इज स्विस ब्यूटी का क्लेंजिंग मेकअप रिमूवर एंड दिस इज इन द वेरियंट ब्लू टकीला. एंड इसका सारा नाम भी वैसा ही है, तो मैं ये भी ट्राई करने वाली हूँ कि मेकअप कितने अच्छे से रिमूव वगैरह करता है. तो अगर आपको जाने में कोई भी इंटरेस्ट है तो अगेन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. मैं एक्चुअली मेकअप का एक स्विस ब्यूटी का अलग करने वाली हूँ एंड न्यू लॉन्चेस का मोस्ट पब्लिक अलग करूँगी, सो अगर आपको जाने में कोई इंटरेस्ट है तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. नेक्स्ट इज ये अगेन एक कॉम्बो में था, दैट इज स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर एंड दिस इज स्विस ब्यूटी का मेकअप प्राइमर. तो ये मैंने दोनों साथ में लिया, ये कॉम्बो में आ रहा था. मुझे पर्सनली फिक्सर का चाहिए था बट ये कॉम्बो में थोड़ा हो रहा था, तो मुझे प्राइमर भी मैंने देख लिया कि ले ही लेते हैं, कि हो सकता है मैं आगे चल के स्विस ब्यूटी का वन ब्रांड ट्यूटोरियल करूँ, तो इसीलिए तो मैंने ये लिया है. तो नेक्स्ट ये था. एंड क्योंकि मैंने इतना सारा स्विस ब्यूटी का सामान खरीदा था, तो कुछ ऑफर चल रहा था कि किसी चीज़ पे लाइक न्यू नॉन न्यू लॉन्चेस पे, तो उनके साथ एक स्विस ब्यूटी का मैट रिवॉल्यूशन लिपस्टिक फ्री मिलेगा, तो दैट इज. एंड तो मुझे ये वाला मिला है स्विस ब्यूटी का प्रो मैट रिवॉल्यूशन एंड द शेड रूज गोल्ड, तो ये वाला है मुझे मिला है. तो ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट. एंड देन मैंने पहली बार नायका ल्यूक स्टोर यानी लग्जरी स्टोर से शॉप किया था, तो उन्होंने फिर अलग से वो सेंड किया था मुझे. एंड दैट इज स्मैश बॉक्स एक्स मालविका. तो अगर आप इनको जानते होंगे, ऑब्वियसली कौन नहीं जानता, शी इज मालविका सतलानी एंड इनका यूट्यूब चैनल है. एंड उनकी आई थिंक मैंने इन्हें पहली बार इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में देखा था. तो ये एक्चुअली एक मॉडल है एंड एक यूट्यूबर भी है. तो उनका दो लिपस्टिक है इसमें, उनकी जो फेवरेट लिपस्टिक है एंड दैट इज ड्राइवर सीट एंड बेब अलर्ट. तो ये दो लिपस्टिक है, तो मैंने सोचा एक मिनी वाला ट्राई करते हैं. अगर मुझे अच्छा लगा तो हो सकता है मैं और शॉपिंग करूँ नायका ल्यूक स्टोर से, क्योंकि आई रियली लाइक हाउ दे डिलीवर एंड एवरीथिंग. तो मैं भी थोड़ा काइंड ऑफ हाई एंड मेकअप की तरफ डाइवर्ट हो रही हूँ. तो ये था नेक्स्ट. एंड उसके साथ मुझे ट्रायल वर्जन मिला था, दैट इज़ स्मैश बॉक्स का ही वाइटमिन ग्लो प्राइमर, दैट इज़ अ छोटू सा प्राइमर. एंड उसके साथ एक प्राइमराइजर, लाइक स्मैश बॉक्स का जो प्राइमर जो है, प्राइमराइजर का ट्रायल पैक, ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रायल पैक है, दैट इज़ 7 ml का पैक है. तो ये था. सो येस गाइज, दैट वॉज अ होल वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. एंड मैं यूजुअली अभी बहुत दिन से हॉल करना नहीं चाह रही थी, मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी पर हॉल करना नहीं चाह रही थी. तो अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है कि मैंने क्या क्या खरीदा है, तो इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर ऐसे छोटे छोटे जब भी कुछ मुझे रिसीव होता है, मतलब मैं जब कुछ खरीदती हूँ मेरे पास से डिलीवर होता है, तो वहाँ पर स्टोरी डाल देती हूँ. तो इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा. हैंडल आपको स्क्रीन पर यहीं कहीं दिख रहा होगा या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. सो प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए. और सर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आप हेल्प बोलते हैं, और सर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इसमें से आपने अगर कुछ भी खरीदा है एंड आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन बाई.